हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लाइफ स्टडी चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप मल्टीप्लाई शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं। किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई शॉर्टकट से आप कैसे कर सकते हैं। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो देखेंगे 100 के आसपास यदि कोई भी संख्या है तो उसका मल्टीप्लाई शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है। जैसे कि आपके सामने वैल्यू लिखी है कि 97 × 98, यदि हम इसका मल्टीप्लाई शॉर्टकट से करें तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हमें देखना जो 97 है वो 100 से कितना कम है। तो हम देखेंगे जो 97 है वो 100 से सिर्फ -3 कम है, ठीक है। और जो 98 है वो 100 से कितना कम है, सिर्फ -2 कम है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देना है और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम देखेंगे यदि हम 97 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 95 आएगा, और यदि हम 98 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 95 ही आएगी दोनों तरफ से, ठीक है, 95 ही, ठीक है। फिर क्या करना है, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम देखेंगे 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 6। तो हमें यहाँ पे 06 लिख देना है। 0 क्यों लिखा है, 0 इसलिए लिखा क्योंकि हमारी जो वैल्यू वो 100 के पास है, इसलिए आपके यहाँ पे हमेशा दो डिजिट आपको लेना है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा वो जगह। अब इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट कैसे करें तो कैसे कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा जो 102 है वो 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन हमारा 103 है वो 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें यहाँ इसे सब इसे ऐड करना है और यहाँ पे इसे ऐड करना है। तो हम इनमें से किसी एक को जितनी वैल्यू आएगी उसे यहाँ पे लिख देना, ठीक है। यदि हम 102 में 102 में 3 को ऐड करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही, 105, ठीक है। और यदि हम 103 में 2 को ऐड करते हैं तब भी हमारी वैल्यू 105 आ रही, तो हमारा सही है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पर कितने का 6 आएगा, तो 06 लेना क्योंकि हमारा 100 के पास है, इसलिए हमें यहाँ पर दो डिजिट हमेशा ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको याद चलेगा। ऐसे भी हम और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को शॉर्टकट से आसानी से कर सकते हैं बहुत कम समय, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए जैसे हम देख लेते हैं। हमारी वैल्यू है 94 × 96, ठीक है। तो हम देखेंगे जो हमारा 94 है वो 100 से कितना कम है, 6 कम है, और जो 96 है वो हमारा 100 से कितना कम है, 4 कम है। तो यहाँ हमें इसे सब्ट्रैक्ट कर देना, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। तो यदि हम 94 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, 90, और यदि 96 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू 90 आएगी। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है तो कितना आएगा, 24 आएगा, 24 हम यहाँ लिख देना, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे हम शॉर्टकट से किसी भी मल्टीप्लाई को आसानी से कर सकते हैं। और भी हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हम देख लेते हैं 107 × 109, ठीक है। यदि हम इसका मल्टीप्लाई शॉर्टकट से करें तो हम देखेंगे कि जो हमारा 107 है वो 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, तो हम देखेंगे 100 से हमारा 60 ज़्यादा है, ठीक है। और जबकि जो 109 है वो 100 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इसका मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें से यहाँ इसे सब्ट्रैक्ट करना है, नहीं इसे ऐड करना और इसे ऐड करना है। यदि हम 107 में 109 को ऐड करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमें यहाँ लिख देना है, और उतनी ही वैल्यू इसमें आएगी। तो हम देखेंगे यदि हम 107 में 109 को ऐड करते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी 116, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, कितना 63, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आएगी, आंसर आएगा आपका। ऐसे आप किसी भी मल्टीप्लाई को शॉर्टकट से बड़ी आसानी से सरलता से कर सकते हैं, ठीक है। और भी हम एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए जैसी हमारी वैल्यू लिखी है 98 × 88, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो 100 से कितना कम है, तो हम देखेंगे जो 89 है वो 100 से सिर्फ -11 कम है, ठीक है। और जे हमारा 88 है वो 100 से कितना कम है, -12 कम है। तो हमें क्या करना है, इसे यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है और इसे यहाँ करना है। यदि यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और यदि प्लस आ रहा होता है तो हमें प्लस करना पड़ता है, ठीक है। अब देखेंगे यदि हम इसमें से 12 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 89 में, तो हमारी जो वैल्यू आएगी, या इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 77, ठीक है। और यदि हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो हम देखेंगे हमारा जो आएगा वो आएगा 132, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ 280 लेना पड़ता है, मतलब हम यहाँ के सिर्फ 32 ही ले सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट कहाँ जाएगा, तो हमें क्या करना है
कि हमें क्या करना है कि सेवन के सेवन आएगा और जो कैरी जो आएगी वो कैरी आएगी हमें यहाँ ऐड कर देना और 32 तो आपकी जो वैल्यू आएगी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को शॉर्टकट से कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आगे 7832। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यदि हम हमारी कोई भी मल्टीप्लाई 100 के पास 1000 के पास हो तो हमें उसे कैसे करना है। ठीक है, यदि हमारा कोई भी मल्टीप्लाई 100 के 1000 के पास हो तो हमें कैसे करना है। ठीक है, देख लेते हैं हम। जैसे कि आपके सामने वैल्यू लिखी है 997 × 998। तो हम देखेंगे जो 997 है वो हमारा 1000 से कितना कम है, तो हम देखेंगे ये हमारा 3 कम है। ठीक है, और जो हमारा 998 है वो 1000 कितना कम है, तो जो 2 कम है। ठीक है, तो हमें करना है इसे यहाँ सेपरेट कर देना है और यहीं से यहाँ सेपरेट कर देना है। तो हम देखेंगे हमारा जो माइनस है सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा। यदि हम 997 में से 2 को सेपरेट करें तो हमारी वैल्यू आएगी 995। ठीक है, यदि हम इसमें से अभी 998 में से भी 3 को सेपरेट करें तो हमारी वैल्यू आएगी 995। ठीक है, अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू वो 1000 के पास है, इसलिए हमारे जो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 3 स्टेप में आएगी, मतलब 3 नंबर आएंगे आप। ठीक है, तो हमें इनका मल्टीप्लाई कर दे तो हमारी वैल्यू आनी 6। अब हमें यहाँ पर चाहिए 3 नंबर, लेकिन तो हमें क्या करना है यहाँ पर 0 0 कर देना। ठीक है, और 0 0 करने के बाद हमें यहाँ लिख देना। ठीक है, 0 0 6 जो आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप शॉर्टकट से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए हम और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि के पास और वैल्यू की, जैसे कि चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमारे पास वैल्यू लिखी है 1009। ठीक है, और मल्टीप्लाई में कितना है 1030। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारा जो 1000 से जो कितना ज्यादा है तो हम देखें 1000 से जो हमारा 9 ज्यादा। ठीक है, और जो वैल्यू 1000 से कितना ज्यादा है 30 ज्यादा, तो हमें करना है यहाँ प्लस कर देना है और इसे यहाँ प्लस कर देना है। यदि हम इसे यहाँ प्लस करते हैं तो हम देखें हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1022। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखेंगे हम 13 में कितना होता है 117, तो वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर होगा। ऐसे आप शॉर्टकट से किसी भी मल्टीप्लाई को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी हर वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। ठीक है, थैंक यू।